दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कोर्स और थ्रेड्स के बारे में। जब आप लैपटॉप परचेज़ कर रहे हो या पीसी असेंबल कर रहे हो तो आपको कोर्स और थ्रेड्स पर ध्यान देना चाहिए, तो इन सब के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज, स्टे ट्यून एंड लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो कोर होता है आपके सीपीयू में इनबिल्ट होता है। जैसे मान लो कि आपका सीपीयू है सिंगल कोर का है, डुअल कोर का है, क्वाड कोर का है, हेक्सा कोर का है या ऑक्टा कोर का है, तो इन सब में कोर्स फिजिकली अवेलेबल होता है। और जो थ्रेड होता है वो थ्रेड कोई फिजिकल टर्म नहीं है, एक ऐसा होता है कि आप समझ लो लॉजिकल या वर्चुअल प्रोसेसर होता है। जो इंटेल है उसको थ्रेडिंग को हाइपर थ्रेडिंग बोलता है और जो एएमडी है उसको मल्टी थ्रेडिंग बोलता है। तो दोस्तों, क्या होता है, जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर में आपका सिंगल कोर है, तो सिंगल कोर का मतलब है कि वो एक टास्क को अच्छे से परफॉर्म करेगा। अगर दूसरा टास्क आप दोगे तो वो दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, पहला सबसे पहले फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करेगा, उसके बाद से सेकंड टास्क को परफॉर्म करेगा। अगर दो कोर हैं तो आपका पहला मतलब दो कोर एक साथ दो टास्क को परफॉर्म करेंगे, अगर चार कोर है तो चार टास्क को एक साथ परफॉर्म करेंगे। तो उसी तरीके से पहले क्या था कि सिंगल कोर डुअल कोर ही आते थे, ज़्यादा कोर के प्रोसेसर नहीं आते थे। तो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है इंटेल सबसे पहले लाया था। तो इंटेल हाइपर थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को लाया तो उससे क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज करो कि आपके सीपीयू में सिर्फ सिंगल कोर है, तो हाइपर थ्रेडिंग कर देने से मतलब क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके सिंगल कोर को ही डुअल कोर समझता है और आपका सीपीयू दो टास्क को परफॉर्म कराता है। वैसे ही अगर मान लो कि दो आपके मतलब कि आपके सीपीयू में दो कोर है या चार कोर है और सब पे हाइपर थ्रेडिंग कर दी गई है, तो हाइपर थ्रेडिंग कर देने से क्या हुआ कि सिंगल मतलब कि चार कोर वाले सीपीयू पे आठ थ्रेड होंगे, तो इसका मतलब कि वो एट टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। दोस्तों बता दूं कि सारे सीपीयू में हाइपर थ्रेडिंग नहीं किया गया है, जैसे कुछ सीपीयू हैं जिसमें चार कोर है, चार थ्रेड है, उसमें छः कोर है, छः थ्रेड है, कुछ सीपीयू में हाइपर थ्रेडिंग भी करी गई है। अब दोस्तों समझने के लिए मैं बताता हूँ कि जो आपका सीपीयू है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो आपका कोर होता है उसमें काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे मान लो कि दो कोर है तो इसका मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मात्र दो लोग काम करते हैं, अगर छः कोर है तो सिर्फ छः लोग ही काम करते हैं। और जो थ्रेड होता है वो जो मतलब कोर है, जो पर्सन है, उनको हेल्प करने के लिए थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझ लो कि अगर छः लोग हैं काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सिक्स कोर है, तो उसको अगर छः थ्रेड है तो उनको सिर्फ छः हेल्पर ही मिलेंगे, मतलब कि एक आदमी को एक हेल्पर मिलेगा। लेकिन अगर मल्टी थ्रेडिंग कर दी जाती है, हाइपर थ्रेडिंग कर दी जाती है, तो एक पर्सन काम करता है उसको दो हेल्पर मिल जाता है, या आप समझ लो कि दो हाथ है उनका। तो काम करने के लिए क्या होता है कि कोई किसी काम को इस राइट हैंड से कर सकते हैं, किसी काम को लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ पैकेट को राइट हैंड से मैनेज कर लेंगे, कुछ पैकेट को लेफ्ट हैंड से मैनेज कर लेंगे। तो अगर मान लो कि लोड ज़्यादा होगा तो दोनों हाथ का यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन अगर लोड कम होगा तो एक सिंगल हैंड्स के यूटिलाइज कर लेंगे। दोस्तों ऐसे ही होता है कि अगर आपका टास्क पर डिपेंड करता है कि आप कौन से एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके कितने कोर और कितने थ्रेड्स यूज होंगे। जैसे आप नॉर्मल टास्क करते हो, आपका काम ही ऐसा है जिसमें आपको सिंपल टैली चलाना है, आपको स्प्रेडशीट बनाना होता है, एक्सेल चलाना होता है, तो इन सब केसों में आपका ज़्यादा कोर यूटिलाइज नहीं होता है और थ्रेड्स भी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होते। इनफैक्ट अगर ज़्यादा कोर पे लोड पड़ता है तो फिर थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर आपका कोर ही मैनेज कर ले रहा है, सारे कोर यूटिलाइज दे रहे हैं, तो उस पर एक कोर और एक थ्रेड से काम चल जाएगा, दो कोर दो थ्रेड से काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ पे वैसी आप कैसे काम करते हो, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग की काम करनी होती है, वीडियो रेंडरिंग की काम करनी होती है, स्ट्रीमिंग करते हो आप, तो उस केस में क्या होता है, आपके जितने भी कोर्स हैं सारे यूटिलाइज होते हैं, सारे थ्रेड्स यूटिलाइज होते हैं और ये सब मिलके काम करते हैं और आपका काम जल्दी निपट जाता है। गेमिंग के केस में क्या है कि गेमिंग के केसेस में ज़्यादा थ्रेड्स की जरूरत नहीं पड़ती, आपका कोर सिंगल कोर भी स्ट्रॉन्ग है तो आपका गेमिंग चला देता है, अच्छे खासे FPS निकाल देता है उस पर। जब आप गेमिंग करते हो और साथ ही साथ स्ट्रीमिंग करते हो तो उस केस में आपको मतलब कि आपके सारे कोर यूटिलाइज हो जाते हैं और आपका थ्रेड्स भी यूटिलाइज होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप कोर्स और थ्रेड में डिफरेंस समझ पाए होगे। अगर उसके बाद भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।